हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं आदित्य सिंह गौतम, आपका मेंटर और कोच बैंक एग्जाम्स के लिए। और मैं आपका आज के सेशन में जो छोटा सा सेशन लेने वाला था, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। और बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। कुल मिला के छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं पर एक इशू अक्सर हम फेस करते हैं कि भैया लगातार पढ़ नहीं पाते। हम सब लगातार पढ़ना चाहते हैं, भाई 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने, लेकिन कहीं ना कहीं इशू आते हैं, भाई लगातार बैठना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज का टॉपिक उस बारे में भाई कि भाई उस चीज को मेंटेन कैसे करें। 1-2 घंटे बैठना इज टू इजी, लेकिन उससे ज्यादा बैठना हम सबके लिए कहीं ना कहीं इशू बात है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे बारे में। 10 साल से ऊपर मुझे बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है। बैंक एग्जाम, RRB, SSC, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का मैंने सभी के लिए पढ़ाया है। मैं टू में 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को कर चुका हूँ और बहुत सारे बच्चे भी सक्सेसफुल हुए। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। ओके, गोइंग फॉरवर्ड ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, अनअकैडमी बेस्ट है। ओके, 30+ बैचेस मिलते हैं आपको यहाँ पर हर महीने, 30+ बैचेस। दूसरी चीज, 20 घंटों का कंटेंट हर घंटे आपके लिए ऐड किया जा रहा है। तीसरी चीज, 70 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं। 40,000 घंटे का कंटेंट यानी स्टडी मटेरियल आपके लिए ऑलरेडी ऐड हो चुका है। 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और 98% से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, है ना मजेदार। तो बेटा जी, अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए प्लस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है कि भाई ASG50 कोड लगाकर, क्या ASG50 कोड लगाकर आपको ले लेना सब्सक्रिप्शन। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, डजंट मैटर, जो भी एग्जाम हो, ASG50 कोड लगाकर आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि आप देख पा रहे हैं। 19 में से कुछ बैचेस स्टार्ट हुए जो कि बता रहा है, इसमें क्लेरिकल 2021, CET 2021 में से स्टार्ट हुआ है, टारगेट SBI PO, IBPS PO और फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम, गुरुकुल बैच फॉर IBPS 2021, रैंकर्स बैच फॉर SBI क्लेरिकल 2021, ये कुछ बैचेस स्टार्ट हुए। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये जो है आपके लिए खुशखबरी है कि भाई स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा होगा। क्या है स्कॉलरशिप टेस्ट? होना क्या उसमें कि भैया आपको एक टेस्ट देना है सिंपल सा और आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ, जिन बच्चों की रैंक टेस्ट में 1 से 3 आएगी उनको मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, तो फुल स्कॉलरशिप 1 साल की। जिन बच्चों की रैंक आएगी 4 से 10 उन्हें 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी रैंक आएगी 11 से 15 उनकी 50% स्कॉलरशिप, और जिनकी 51 से 500 इनकी 25% स्कॉलरशिप, है ना बढ़िया। ओके, नाउ ये जो टेस्ट है इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें 1 करोड़ तक का पूरा सब स्टूडेंट्स के। ओके, ये जो एग्जाम है फ्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और फ्री रजिस्ट्रेशन में कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको जब एनरोल करना है उस टाइम पे ASG50 कोड लगा दीजिएगा और संडे को सुबह 10 बजे एग्जाम होगा, दीजिए और अपनी स्कॉलरशिप जीतिए, राइट। नाउ आपके लिए खुशखबरी एक और है, क्या भैया, जो बंदे या जो लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो भी बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अभी, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है इसलिए बता रहा हूँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एक्स्ट्रा। जिनका 2 साल का सब्सक्रिप्शन है उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एक्स्ट्रा। उसके अलावा ये तो मिली रहता आपने 2,500 यानी 2,500 तक का बैंक अल्टीमेट टेस्ट ऑफर मिल रहा है, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक है जो कि मेजर एग्जाम्स को कवर करते हैं, प्लस 50 न्यू टेस्ट हर महीने, 400 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट, डिटेल एनालिसिस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग थ्रू फॉलोअप क्लासेस, बूस्टर क्लासेस और फुल एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन, है ना बढ़िया। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आपके लिए एक और खुशखबरी, क्या भाई, जो बच्चे लेंगे RBI एंड NABARD फेज टू और बैंक एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो लेंगे, उनको मिल रहा है 99% ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफर पे। तो बेटा जी, नाउ नेवर चांस है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ओके, नाउ अगर बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेटा जी, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपका 6,500 का है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,800 का है, और ASG50 कोड जैसे ही आप लगा दोगे, क्या ASG50 कोड जैसे ही आप लगा दोगे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। क्या चाहिए, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, बाकी जो ऑफर्स बताए वो अलग,
व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो फॉर इट, जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए. ओके, ये टेस्ट सीरीज जो कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, राइट. तो अब हमें ऑल सेट टू से लेट्स चेक इट गाइस. ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है भाई कि हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी लाइक अ रिवर इन स्टडी. क्या होता है कि हम सब चाहते हैं कि पढ़ाई को जैसे नदी बहती है लगातार, वैसे ही लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या हम पढ़ पाते हैं, क्या हम पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, राइट. हम सभी को चाहिए कि भाई लगातार पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, दिन रात एक कर देंगे पढ़ाई नहीं, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद के कीटाणु ज्यादा घूमने लग जाते हैं. होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत होता था, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था. जैसे ही किताबें उठाता था कभी कभी मेरे नींद के कीटाणु चारों तरफ पता नहीं कैसे घूमने लग जाते थे और मुझे बहुत तगड़ी नींद आने लग जाती थी. बस एक घंटा पढ़ा, उसके बाद दूसरा कल पढ़ूंगा और काम खत्म. लेकिन वो कंटिन्यूटी जो आनी चाहिए थी वो कभी नहीं. तो वो कभी आने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जो कि मेरे को बहुत काम आए, बाकी स्टूडेंट्स को जिनको बताया उनके भी बहुत काम आए हैं, अब आपके काम आएंगे. लेकिन क्लास को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ मैं आपको सिखा पाऊंगा, आपको खुद से पता नहीं चलेगी. ओके, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या हमें सही में ये चीज डिस्कस करने की जरूरत है, क्या हमें सही में ये चीज जानने की जरूरत है, या फिर इस बारे में बात करने की जरूरत है कि भाई की पढ़ाई कैसे करें, लगातार पढ़ाई कैसे करें. हम वेब सीरीज देखते हैं, देखते हैं फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फिफ्थ सीजन, बहुत सारी वेब सीरीज है बहुत फेमस है, गेम ऑफ थ्रोन, वेम्पायर डायरीज, प्रिजन ब्रेक, डार्क, और हिंदी में बहुत सारी वेब सीरीज एक के बाद एक आ रही है. तो बेटा जी, जब एक गो में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक गो में पूरी पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं, राइट. पूरी एक ही टाइम में, एक ही बार में पूरी पूरी मूवी खत्म कर देते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे की, और आठ आठ दस दस घंटे का हम जो है वेब सीरीज खत्म कर देते हैं. तो बट्टा जी मुझे एक बात बताओ, अब उसमें आपको कंटिन्यूटी कहाँ से आ गई, आ गई उसमें कंटिन्यूटी कैसे आ गई. कैन यू इमेजिन कि जहां पर हमें पढ़ाई के लिए हमें ये वीडियो देखना पड़ रहा है, मुझे वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन एक मतलब कि कंटिन्यूटी की दिक्कत नहीं जब हम वेब सीरीज एक बार में देख सकते हैं, मूवी एक बार में देख सकते हैं, और एक नोवेल को एक रातों रात खत्म कर सकते हैं. सिर्फ हमारी पसंद की होनी चाहिए, क्या बोला मैंने, पसंद की होनी चाहिए, और हम उसे एक रात में खत्म कर लेते हैं, तो या 2 रात में खत्म कर लेते हैं बिना सांस लिए कि भैया खाना आएगा, मम्मी खिलाएगी, बात खत्म. लेकिन फिर भी हम उस चीज को इतने आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता. बात आ जाती है इंपॉर्टेंस की, क्या इंपॉर्टेंस की, कि भैया चीज की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में. एक बात बताओ, आपको पता है कि भाई मूवी जो है आगे भी रहेगी, आज से 10 साल बाद भी देख लोगे, 1 साल बाद भी देखोगे, 5 साल बाद भी देख लोगे, लेकिन उसने आपको इम्पैक्ट इतना ज्यादा किया, एडवर्टाइजिंग ने, ट्रेलर ने, वगैरह वगैरह ने, कि भाई आपको पता है कि वो मूवी मुझे इस बार फर्स्ट से फर्स्ट शो ही देखना है, सबसे पहले देखूंगा वो मूवी, सब मेरे को वो वेब सीरीज का तो मुझे देखनी ही देखनी है, कैसे भी कंप्लीट करूंगा. अच्छा, फर्स्ट सीजन में कंप्लीट कर चुका, पता नहीं यार सेकंड सीजन में क्या होगा, वो तो मुझे निपटाना ही निपटाना है जल्दी से. होता है मेरे साथ भी होता है ये चीज, डोंट वरी. ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज देख रहा था मैं, 2 सीरीज सीजन में खत्म हो जाएगा, थर्ड सीजन. आप मेरी जो क्लास थी, ठीक है, सुबह 7 बजे उठा, रात में 11 साढ़े 11 तक मेरे पढ़ाया आप लोगों को, 11 साढ़े 11 पढ़ाने के बाद मैंने डिनर किया, वापिस आया डिनर करके, मतलब वॉक पे गया, वॉक करके वापिस आया, और मैंने वेब सीरीज लगा दी. लगभग लगभग 2 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी वेब सीरीज चलती रही, और अगले दिन फिर से मुझे 10 बजे से पढ़ाना था. तो इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. लेकिन लेकिन मतलब क्या है इस चीज, इन सब का, कि क्या वो मेरे लिए जरूरी थी, क्या वो मेरे लिए जरूरी थी, यस मेरे को देखनी थी भाई, बिल्कुल जरूरी थी, लेकिन क्या मेरे लिए उससे जरूरी कुछ था, यस आपको पढ़ाना मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने दिन में पूरा का पूरा आपको पढ़ाया, पूरा टाइम मैंने आपको पढ़ाया, पूरा टाइम आपके लिए इन्वेस्ट किया कि भाई मैं आपको पढ़ाऊं, और अगले दिन भी मैं चाहता था आपकी पढ़ाई मिस ना हो बिल्कुल भी, पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर पढ़ाया. तो इन दी एंड मैंने एक बैलेंस बनाया कि भाई जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने टारगेट सेट किया कि जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया. क्या था पढ़ाना, क्या था मेन फोकस मेरा, कि भाई आपकी पढ़ाई जो है इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जो कंटिन्यूटी हमने बढ़ाई बनाई है पढ़ाने में वो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए. तो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेब सीरीज, नॉवेल, यारों दोस्तों के साथ घूमना, या फिर आपका गोल,
क्या है आपका गोल कि मेरे को बैंक पीओ बनना है, मेरे को एसएससी क्लियर करके ऑफिसर बनना है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना है, मेरे को इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को मेडिकल एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, क्या वो आपके लिए जरूरी है? डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? देखिए हर चीज यही रहने वाली है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है आपकी, इम्पोर्टेंस किसकी ज्यादा, जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो चीज आपको फॉलो कर लेगी। सपोज करते हैं आप आराम से मेरे साथ आप लोग घर में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने सोचा कि चल यार आपको झंडे गाड़ दूंगा, आपको 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, चलो जैसे ही पढ़ने बैठे थे इतने में एक दोस्त का मैसेज आ गया कि यार ऐसा हो गया भाई, आपने उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया, अच्छा ठीक है, वहां से फिर बात आई, ऐसे करते करते बात करते करते लगभग 3-4 घंटे बीत गए, क्या पढ़ाई हुई? नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपने अपनी इंपॉर्टेंस जो है पढ़ाई से हटा के उस टाइम पे अपने डिस्ट्रैक्शन को दे दी कि यार दोस्त को भी चक्कर है, यार दोस्त इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, वो मना नहीं कर रहा हूँ, हर चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यू गाइज आर स्टूडेंट्स, तो हर चीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बात समझिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने करियर के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी गोल्स के लिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए इन्वेस्ट करो टाइम, लेकिन आप इन्वेस्ट करें व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और एक बार वीडियो देखना शुरू किया उसके लगातार वीडियो देखते चले जाता अपनी अपना जो मेन गोल था उसको छोड़ के। तो क्या मुझे ये बताओ, अगर आप सपोज करते 6 घंटे किताब लेके बैठे हो उसमें एक घंटा आपने पढ़ी है, बाकी टाइम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह पे निकाल दिया, या फिर वेब सीरीज में निकाल दिया, फिर किसी और काम में निकाल दिया जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर वर्ड यूज करो, वेस्ट भी नहीं, किल कर रहे हो आप लोग, तो क्या ये जरूरी था? नहीं था ना। तो बेटा जी हमें इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है हमारे लिए ज्यादा। अगर आपके लिए जरूरी है वेब सीरीज, गो फॉर इट, मैं मना नहीं करूंगा, ऑनेस्टली मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका करियर, तो फिर आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्या करना है आपको, आपको खुद जानते हैं कि भाई मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट? ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमें फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि हमारे लिए क्या जरूरी है गोल प्राप्त करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। दूसरी चीज जो आती है वो है भाई कि भैया चलो ठीक है हमें पता लग गया गोल अचीव करना है, लेकिन बैठ को फिर भी नहीं पा रहे, एक घंटे बैठते दिमाग बनाने लगता है, नींद के कीटाणु चारों तरफ उड़ने लग जाते हैं, जैसे मैंने बताया मेरे साथ भी होता था। तो बेटा जी उसका एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है मेरा आपको, हैव अ ब्रेक। हैव अ ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि बेटा जी आप लोगों को ना अलग अलग चीजें पसंद होगी, अलग अलग चीजें पसंद होगी, एज इन हॉबी, किसी को लिखना पसंद होगा, किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद होगा, किसी को म्यूजिक एज इन गाना पसंद होगा, किसी को गिटार बजाना पसंद होगा, किसी को कैरम बोर्ड खेलना पसंद होगा, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, हर किसी का अलग अलग हॉबी होती है, राइट? तो ये जो हॉबी है इस हॉबी का फायदा उठाओ। हॉबी समथिंग की अगर आप नींद में भी होगे तो भी आपको वो चीज अच्छा ही फील करेगी। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है, आई एम अ राइडर, आई एम अ बाइकर, एंड फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी, बाइक उठाऊंगा और कहीं ना कहीं तो पहाड़ों में निकल जाता हूँ। आई लव डूइंग दैट। तो दैट इज माई टाइप ऑफ ब्रेक। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्या, मेरे को लगता है कि यार एक ब्रेक लेना चाहिए, छोटा सा ब्रेक मेरे को बहुत एनर्जी देगा, और मैं ब्रेक लेता हूँ उसके बाद दोबारा लग जाता हूँ आपको पढ़ाने, ठीक है? सेम वे में आप लोग अपनी पढ़ाई को ब्रेक कीजिए। सपोज करते हैं आप 1-2 घंटे पढ़ चुके, 3 घंटे पढ़ चुके, एक सब्जी आप कितने एक बार में कितनी देर पढ़ पा रहे। अब जब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको नींद आ रही है या फिर थकान फील हो रही है, बहुत हो गया मेरे को आराम चाहिए, टेक दैट ब्रेक, ठीक है? ब्रेक लो, जो भी आपको पसंद है उस टाइम में वो करो, कॉफी पियो, चाय पियो, कैरम बोर्ड खेलो, क्रिकेट के छोटे से मैच खेल लो, ठीक है, या फिर गिटार बजा लो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है उसको कंप्लीट करो। हॉबी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, प्लस हॉबी से सबसे अच्छी बात होती है कि हमें खुशी मिलती है। तो हमें जो खुशी मिलेगी उसके बाद हम हैप्पी मोड में जब आते हैं, इंसान की एक फितरत है, इंसान की एक आइडिया है कि भाई जब भी इंसान खुश होता है उसको नींद नहीं आती। बस इस चीज का हमें पूरा फायदा उठाना है कि भैया हमने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद जो हम जब दोबारा बैठेंगे हमारे अंदर वापिस पे एनर्जी का संचार हो चुका होगा। तो एनर्जी का जो संचार होगा आप लोग दोबारा उसमें लग जाइए अपनी पढ़ाई में और फिर आगे बढ़ाइए। तो 15-20 मिनट का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक, एक घंटे का ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लो फिर से आगे बढ़ो, डबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है? ब्रेक लो, आगे बढ़ो, डबल एनर्जी के साथ बढ़ो। तीसरी चीज जो आपको बोलूंगा, तीसरा स्टेप है आपके लिए कि आप अपनी सुपर पावर खोजो।
आप अपनी सुपर पावर खुद हो, बोले तो यू आर योर सुपर पावर। हर इंसान में अलग अलग कैपेबिलिटीज होगी, अलग अलग टाइप से वो पढ़ सकता है। कुछ लोग जो है रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ दिन में पसंद करते हैं, कुछ लेट के पसंद करते हैं, कुछ बैठ के पसंद करते हैं। हर किसी का अपना एक तरीका, और वही तरीका आपको आपकी सुपर पावर बनाना है। किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि दूसरा कैसे कर रहा है, दूसरे का तरीका भाई उसका तरीका है, वो उसका तरीका है, वो उसकी सुपर पावर है। अगर उसकी सुपर पावर को आप अपनाओगे भाई, तुम किसी को कॉपी कर रहे हो, और जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर कॉपी करना इज नॉट अ गुड आइडिया और गुड साइन राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी सुपर पावर को पहचानना है कि मैं कैसे ज्यादा पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तुम इस चीज को खुद मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो, आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप लोग जनरल आइडिया की किस तरह से आपको करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया आपको पता है कि यार कि मेरे को अगर मैं पावर नैप ले लेता हूँ 5 मिनट की या 10 मिनट की, तो मैं दोबारा अच्छे से पढ़ सकता हूँ। पावर नैप, ठीक है, आपको पता है कि आप लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती सपोज, लेकिन आप मैथ बहुत अच्छी है, तो भाई मैथ पे फुल फोकस कर दो कि मैथ में तो एक नंबर कम होना चाहिए, इंग्लिश में चल ठीक है फुल मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ कम आ जाएंगे, एटलीस्ट जो जितने आने चाहिए उससे थोड़े ज्यादा है मेरा चल जाएगा, कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। राइट, कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन मैथ में आपने स्कोर कर लिया, सुपर पावर है आपकी। अब जब मैथ में स्कोर कर सकते हो, उसको भी कर सकते हैं आपके क्या नाम है रीजनिंग में, तो आपको मिला कि दो सब्जेक्ट आपने बढ़िया वाला फुल स्कोर लिया, दो में आपके कट ऑफ भी क्लियर हो गया, हो गया आपका एग्जाम क्लियर हो गया। तो कुल मिला के आपको आपकी सुपर पावर पहचान लीजिए, आपकी सुपर पावर है क्या, व्हाट इज योर सुपर पावर। अगर आपकी सुपर पावर है कि भाई मुझे लेट के पढ़ना है, पढ़ो। टू बी ऑनेस्ट, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने क्लासेस शुरू की थी यूट्यूब पर, मैं जो था नीचे गद्दे पर बैठ के पढ़ा रहा था, समहाउ आई फेल्ट कि मैं लॉन्ग टाइम बैठ के आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मेरे को मेरी सुपर पावर पहचान लीजिए, भाई मैं लेट के नहीं पढ़ा, बैठ के नीचे बैठ के नहीं पढ़ा सकता, ऊपर चेयर पर बैठ के पढ़ा सकता हूँ। ओके, आई थिंक दैट कैन, आई गॉट माय चेयर, इट्स गोइंग फाइन। तो आपको जो अप्रोच है, आपकी जो अप्रोच है एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वो चेंज करनी होती है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको लगेगा, बहुत बार ऐसा लगता है कि हर सुपर हीरो मूवी में एक टाइम आता है जब सुपर हीरो को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, लाइफ खत्म, अब विलेन उसे हरा चुका होगा, लेकिन वो टाइम वो होता है जब वो सबसे ज्यादा हारा हुआ होगा। राइट, सबसे ज्यादा हारा हुआ होता है कि भाई सब खत्म। और बहुत बार आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आता है जब क्वेश्चन सही नहीं हो रहे होते, आप लोगों के घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं, बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं, और टाइम पे लगता है कि क्विटिंग इज द लास्ट ऑप्शन, इज द ओनली ऑप्शन, यार छोड़ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता, सब बेकार है। लेकिन बेटा जी, वही टाइम है आपको अपने अंदर की सुपर पावर जगाने का। किस चीज का सुपर पावर जगाने का? जब आपको दिक्कतें आए लाइफ में कुछ भी, जब भी आपको दिक्कतें आए लाइफ में कुछ भी, आपको क्या करना है, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। इंस्टेड आपको क्विट करने के बदले मेहनत करनी है उसी गोल के लिए। आप इतने दूर इसकी मेहनत क्यों करी थी? एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए लाइफ में, लेकिन आप इतने दूर आके वापिस लौट गए। क्यों भाई? जरा और मेहनत सही, जहां इतना मेहनत की है थोड़ा और सही। यस, नो, मे बी, क्लियर? तो बेटा जी, हमारी सुपर पावर यही है कि हमें बहुत अच्छे से अपनी सुपर पावर को पहचानना है, और हार नहीं माननी है, हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, क्विट नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। ओके, नेक्स्ट चीज है आपकी कि स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। अपनी जो जर्नी है सक्सेस की, उसको शुरू कर लो। बोले तो इतनी सारी बातों के बाद मैंने आपको बता दिया, आपको मेहनत करनी है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको ब्रेक लेने हैं, आपको अपनी सुपर पावर पहचाननी है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप अगर ड्रीम कर रहे हैं, सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं कि मैं पीओ बन जाऊंगा, मेरा एसएससी क्लियर हो जाएगा, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ सेट है, नहीं। आपको एक्ट जरूर करना पड़ेगा, हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क जरूर करना होगा। तो ऐड करना आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे, और जैसे ही आपका ये कॉम्बिनेशन चलेगा, तो बेटा जी वहीं से शुरू हो जाएगी आपकी जर्नी ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जैसे ही फंडा अपनाओगे, आपकी शुरू हो जाएगी जर्नी ऑफ सक्सेस, और उस सक्सेस को आप जब पाएंगे बेटा जी, उसके जैसी खुशी नहीं होगी,
और खुशी ये नहीं कि आपने पीओ का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करना वो खुशी नहीं है। जब आप उस जगह पर होंगे ना, जब आप वो काम कर लेंगे जो आप लाइफ टाइम चाहते थे, जिसके आपने इतनी मेहनत करी है, तब होगी खुशी, तब होगी वो खुशी वाली पंडा। लेकिन जो भी काम करना है खुश होकर करना है, मस्त होकर करना है, स्मार्टली करना और हार्ड वर्क के साथ करना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो वेट मत करो, आपका गोल आपका इंतजार कर रहा है, इट्स वेटिंग फॉर यू। तो डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंस्टेड पूरे जोर और शोर से, दम और खम के साथ हमें अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है। तो गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ऑलराइट, तो इसी नोट के साथ मैं आपकी जो क्लास है, ये जो छोटा सा सेशन था, मैं खत्म करता हूँ। आई रियली डू होप आप सभी को बहुत पसंद आए, आप सभी को ये हेल्प करे आपको गोल्स अचीव करने में, जो भी आप करना चाहते हैं। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू टेक केयर, बाय बाय।